प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जो देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूपरेखा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तनवीर खान और आज की हमारी खास पेशकश है मोदी के 100 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। पहले और दूसरे कार्यकाल से अलग इस बार पीएम मोदी के सामने काफी चुनौती है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो कई लोगों ने इसे पीएम मोदी की हार के तौर पर देखा और सवाल ये उठाए कि क्या पूरा बहुमत नहीं होने से पीएम मोदी का अंदाज अब वैसा नहीं रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही थी कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सरकार में क्या कुछ बदला है, क्या पीएम मोदी की कार्यशैली बदली है, इस पर बात करेंगे हमारी इस खास पेशकश मोदी के 100 दिन पूरे में। भारत माता की। 9 जून को मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 17 सितंबर को उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरे भी हो गए थे। गठबंधन सरकार बनाने के बावजूद पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल नहीं किया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। साथ ही रूस और यूक्रेन जाकर पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में आए हैं जब सरकार को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया था। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का जिक्र किया था। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की भी बात कही गई थी। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा था कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। पार्टी ने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर इस बार फोकस किया है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसानों को प्रमुखता देते हुए सबका साथ सबका विकास की बात कही गई थी। खास बात यह है कि आयुष्मान भारत के दायरे में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कवर होंगे, ये भी बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 17 सितंबर को मोदी सरकार के 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। अमित शाह ने कहा है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए वे मैतेई और कुकी दोनों समुदाय से भी बात कर रहे हैं। इसके बाद 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजना शुरू की है, टैक्स राहत दी गई है और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया गया है। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। सूत्रों का कहना है कि हर मंत्रालय से बड़े पैमाने पर योजनाओं पर खर्च करने की बात कही गई है। ज्यादा पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर व किसानों, गरीबों पर खर्च होंगे, ये बात भी सामने आई है। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, आदिवासी रेल कॉरिडोर, लखपति दीदी, साइबर और मरीन यूनिवर्सिटी की स्थापना, न्यू मेडिकल कॉलेज और तकनीकी एजुकेशन हब जैसी मदों पर भी अगले 100 दिनों में बड़े पैमाने पर खर्च होंगे। अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों का असर भारत के हर नागरिक पर पड़ा है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या कोई आम आदमी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यकाल की शुरुआत में ही जोर दिया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना उनका पहला लक्ष्य है। इसी के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना पर और जोर दिया। इसके साथ ही आर्थिक सुधार, विदेश निवेश को भी बढ़ावा देना, डिजिटल इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती पर भी ध्यान दिया गया था। तो ये थी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की खास उपलब्धियां। इन नीतियों और फैसलों का असर आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो निश्चित रूप से भारत को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।